आज हम एक रेस कंडीशन देखने जा रहे हैं जो कि थोड़ी सी अलग है, जिसकी मदद से हम डुप्लीकेट अकाउंट्स क्रिएट कर पाएंगे और साथ ही साथ उन रिक्वेस्ट को भी एग्जीक्यूट कर पाएंगे जिसके लिए कभी ओटीपी जनरेट हुआ ही नहीं था। सबसे पहले यहाँ पे देखो, अगर किसी को भी अपनी ईमेल सब्सक्राइब करनी है तो एक फंक्शनैलिटी थी उस वेबसाइट पर इस तरीके की। यहाँ पर कोई भी अपनी ईमेल डालता था, जैसे ही सब्सक्राइब दबाता था तो एक ओटीपी का पॉपअप आता था ताकि वो ओटीपी डाले, और वो एक सिक्योरिटी चेक था ताकि कहीं ऐसा ना हो मैं आपकी ईमेल डाल दूं तो सारे न्यूज़लेटर आपको चले जाएं। इसी तरीके से यहाँ पर एक दूसरी फंक्शनैलिटी थी अकाउंट क्रिएट करने की, जहाँ पर ये कुछ डिटेल थी और इनको सबमिट करना था। इस पे भी एक ओटीपी का पॉपअप आता था ओटीपी डालने के लिए। अब यहाँ पर देखो, जो ओटीपी जनरेट होता है वहाँ पे सिर्फ आपके पास 2 मिनट ही होते हैं इसको वेरीफाई करने के, वरना फिर ये एक्सपायर हो जाएगा। तो अभी हमारे पास अटैक परफॉर्म करने के लिए सिर्फ 2 मिनट ही हैं, जो कि काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी हम ये करने में सफल हुए। आइए देखते हैं कैसे। तो मान लो आपने अकाउंट क्रिएट जब किया या फिर ईमेल को सब्सक्राइब किया तो एक बैकएंड में रिक्वेस्ट जाती है जनरेट ओटीपी की, जहाँ पर आपकी ईमेल होगी और इस ईमेल के लिए एक ओटीपी जनरेट होगा जो कि आपकी ईमेल पर भेज दिया जाएगा, और यहाँ पर एक लीड आइडेंटिफायर हो जाएगा जनरेट। ये लीड आइडेंटिफायर और ओटीपी दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि हमने ओटीपी किसी और का डाल दिया, लीड आइडेंटिफायर किसी और का। ये सिक्योरिटी यहाँ पर थी। यहाँ पर आप देख सकते हो, आप जो अकाउंट क्रिएट या फिर कस्टमर क्रिएट करने की रिक्वेस्ट है वो कुछ इस तरीके की है। और यहाँ पर अभी आप ये रिस्पांस वगैरह मत देखना, अभी आप सिर्फ ये फील्ड देखो, और नीचे आप जब इसको करोगे तो एक फील्ड होगी ओटीपी की और लीड आइडेंटिफायर की, और वो किस लिए होगी, ताकि जो आपको ओटीपी भेजा है आप वो डाल सको, और लीड आइडेंटिफायर ताकि दोनों आपस में चेक हो सकें। अभी हमने जो ये कस्टमर क्रिएट करने की रिक्वेस्ट है इसको 2 टैब में भेज दिया है, देख सकते हो 32, और अगला है हमारे पास 34। इसी तरीके से जो ईमेल सब्सक्राइब करने वाली रिक्वेस्ट है उसको भेज दिया 33 में, ये देख सकते हो इधर आ गया है। रिस्पांस को भी मत देखना, और ये भी अभी हम चेंज करेंगे, और एक बार और इसको भेज दिया है ईमेल सब्सक्राइब करने वाले को 35 पे। तो अभी आप देख सकते हो 2 हमारे पास हैं कस्टमर क्रिएट करने की और 2 हैं ईमेल सब्सक्राइब करने की, और इनको हमने एक ग्रुप में कर दिया है मर्ज। अगर आपको ये नहीं पता कि ग्रुप कैसे बनाते हैं रिक्वेस्ट का, जो कि रिपीटर टैब में पड़े हुए हैं, आपको कुछ नहीं करना है, रिक्वेस्ट पे जाना है, ऐड टैब टू ग्रुप, मतलब राइट क्लिक करके ऐड टैब टू ग्रुप, क्रिएट टैब ग्रुप, और वो आपको टैब सेलेक्ट कर लेने हैं या फिर वो रिक्वेस्ट जिनको आप ग्रुप करना चाहते हैं एक में, और ये क्रिएट पर आपको क्लिक कर देना है। अब हमने सबसे पहला काम क्या किया, ओटीपी जनरेट करने वाली जो रिक्वेस्ट है, जो कि मैंने बताया बैकएंड में कॉल हो रही है, उसको हमने भेज दिया, और रिस्पांस में हमें ये पता लग गया कि ओटीपी सेंड हो चुका है सक्सेसफुली इस ईमेल के लिए। अब इस ईमेल पर जा करके आपको वो ओटीपी कर लेना है कॉपी, और ये जितनी भी चारों रिक्वेस्ट हैं इनमें 2 फील्ड कॉमन है, ओटीपी और लीड आइडेंटिफायर। तो लीड आइडेंटिफायर आपको यहाँ से मिल जाएगा ओटीपी जनरेट करते वक्त, यहाँ से देख सकते हो, और ओटीपी जो आपकी मेल पे गया है वो। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम सेंड पर गए और सेंड ग्रुप इन पैरेलल इसको हमने सिलेक्ट करके जैसे ही सेंड किया तो यहाँ पर देख सकते हो एक पहली रिक्वेस्ट जो हमारी है वहाँ पर हमारा अकाउंट हो चुका है क्रिएट इस ईमेल के लिए, और सेम ईमेल से ही हमारा दूसरा अकाउंट भी क्रिएट हो चुका है। तो अभी हमने डुप्लीकेट अकाउंट कर लिए क्रिएट, और जब हमने अगली रिक्वेस्ट देखी तो आपको दिख रहा है हम मतलब सब्सक्राइब भी कर पाए। तो मतलब यहाँ पर सिस्टम को पता ही नहीं है कि हमने जो ओटीपी जनरेट किया है वो किस चीज़ के लिए किया है, अकाउंट क्रिएट करने के लिए किया है या फिर ईमेल सब्सक्राइब करने के लिए किया है, और ये हम कितनी बार परफॉर्म कर सकते हैं, तो ये अभी सिस्टम पता ही नहीं कर पा रहा है। बस ये एक लास्ट रिक्वेस्ट थी जो कि फ़ेल हो गई, लेकिन अगर इसको मैं 2-3 बार ट्राई करता तो शायद ये भी सक्सेस हो जाती, क्योंकि रेस कंडीशन में ट्रायल एंड एरर आपको बार बार ट्राई करना पड़ता है, टाइमिंग पर डिपेंड करता है। और यहाँ पर जो प्रायोरिटी इसकी सेट हुई सीवरिटी वो P3 गई है, कंपनी ने P3 सेट करी है,
आपने देखा किस तरीके से हम डुप्लीकेट अकाउंट क्रिएट कर पाए और हम सेम ओटीपी से ही ईमेल को भी सब्सक्राइब कर पाए। तो मिलेंगे फिर किससे अगली वीडियो में।